हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक डिस्कस करेंगे। किसी भी नंबर्स को नाइन्स वाले नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंडों में आंसर लाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है 87 को 99 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको कुछ नहीं करना है, 87 को 87 लिखेंगे, जितने नाइन है उतने ज़ीरो देंगे, फिर क्या करेंगे 87 को माइनस कर देंगे। तो जैसे ही 87 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 में से 7 किया, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर जैसे लेते हैं 786 है, उसको हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 786 को इसी तरह लिखेंगे, फिर जितने नाइन है उतने ज़ीरो, फिर 786 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 7, ये 7 हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जैसे लेते हैं 1296, 1296 को हमें किससे देना है, 9999 से देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे 1296 इसी तरह लिखेंगे, जितने नाइन है उतने ज़ीरो दे देंगे, फिर क्या करेंगे 1296 को माइनस कर देंगे। इसको जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 होगा, ये हो जाएगा 5, फिर 9 2 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 9 7 8 6 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 9 9 9 9, 5 टाइम्स 9 है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार दे जो नंबर है 2 9 7 8 6 1, फिर जितने नाइन उतने ज़ीरो दे दे, 5 बार 9 है तो 5 0 आ जाएंगे। इसमें से क्या करना है, ये माइनस करना है, तो ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 2 9 7 8 6 1, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0, फिर ये 8 हो जाएगा, इसमें से हासिल किया था तो ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर ये 7 2 9। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, क्विकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर्स का नाइन्स वाले नंबर के साथ। स्टूडेंट, इसी टाइप के अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखे, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो ज़रूर दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।